हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के बीच लेके आए हैं एक न्यू वीडियो। तो आज चलिए आपको दिखाते हैं गुफा वाला मंदिर, जो कि प्रीत विहार में है। और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन का बात करूँ तो प्रीत विहार मेट्रो स्टेशन पड़ता है। मेट्रो स्टेशन से गुफा वाला मंदिर की दूरी 1 किलोमीटर का दूरी होगा। और ये रहा गुफा वाला मंदिर, जिसे शिव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। शिव मंदिर, गुफा वाला मंदिर, प्रीत विहार। ऐसे तो दिल्ली में बहुत सारे मंदिर हैं, उनमें से ये एक मंदिर है जिसे गुफा वाला मंदिर के नाम से जाना जाता है। तब हम चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं मंदिर। ये मंदिर का बाहर का दृश्य कुछ इस तरह से है। अब मंदिर का अंदर जाके दिखाते हैं आप लोगों को। गुफा में एंट्री करने से पहले हनुमान जी और गणेश जी का दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर गुफा में एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, बहुत ही बड़ी हनुमान जी का मूर्ति है बना हुआ है। अब यहाँ से चलेंगे धीरे धीरे नीचे सीढ़ियों के माध्यम से और गणेश जी का मूर्ति का दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे गुफे में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी गणेश जी का बहुत ही बड़ा मूर्ति बना हुआ है। अब यहाँ से गुफा में एंट्री करते हैं, छोटा वाला गुफा। और छोटे वाले गुफे से होते हुए बड़े गुफे की ओर जाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं गुफे के अंदर। माता रानी का मूर्ति है, देख सकते हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे देखते हुए। गुफा से निकल चुके हैं, मंदिर बहुत ही अच्छा बनाया है और अभी बन भी रहा है धीरे धीरे। फाइनली इस मंदिर का जो मेन गुफा वाला मंदिर है, उस दरवाजे के पास और उस गुफे के पास पहुंच चुके हैं। अब यहीं से एंट्री करेंगे। ये शेर के आकार का बना हुआ है। एंट्री करेंगे, जैसे कि देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ पर नीचे जाने का रास्ता है। अब चलते हैं धीरे धीरे गुफे के अंदर। थोड़ा नीचे, ये नीचे को जा रहा है, ये डाउन है, तो दिखाते हैं आप लोग, देख सकते हैं। ये इस तरह कुछ अंदर जा रहा है। ये प्रीत
बिहार मेट्रो स्टेशन के नज़दीक है। तो देखिए ये राउंड घूम रहा गोल गोल। अब हम लोग गुफे के अंदर आ चुके हैं। अब हम माता रानी का दर्शन करेंगे। तो अंदर का दृश्य कुछ इस तरह से है, देख सकते हैं गुफा कुछ बड़ा ही बना है। चलते हैं अब आगे और आप लोगों को गुफा अच्छी तरह से दिखाते हैं। माता रानी के दर्शन हो चुका है, तो अब गुफे से बाहर निकलते हैं। तो देख सकते हैं बाहर निकलने के टाइम भी गुफा गोल गोल घुमा हुआ है। तो धीरे धीरे अब बाहर निकलते हैं। अब हम लोग गुफे से बाहर आ चुके हैं, तो अब हम लोग चलते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह का वीडियो मेरे चैनल में आते रहता है। धन्यवाद।